अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम, उस पर जो हम डिस्कस करेंगे आज, सबसे पहले वो ये है कि आपने रूट किस तरीके से मालूम करना है। टॉपिक हमारा क्या है, रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्यूब रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, तो आप कैसे मालूम करोगे, बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम। अब डी मॉर्गन थ्योरम में आपने देखा था, जो मैंने बताया था, पावर एन जो है वो इंटीजर होनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट यहां पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर पावर इंटीजर होती है तो आपने वो प्रोसेस देख लिया किस तरीके से मालूम करते हो। अगर पावर फ्रैक्शन है तो फिर वो रूट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो, नीचे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, ऊपर पावर है 2/3, तो आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, भाई डिफरेंट तरीके होते हैं इसके। ज्यादा इजी क्या होगा, ज्यादा फॉर एग्जाम्पल इस तरह आप इसको ब्रेक कर लो कि आप इसको लिखो जेड स्क्वायर की होल पावर 1/3। मतलब आपने क्या करना है, आप जेड स्क्वायर मालूम कर लो, जैसे ही आपके पास जेड स्क्वायर आ जाए उसके बाद आपने क्या मालूम करना है, क्यूब रूट मालूम करना है इसका, ठीक है। इसी तरह बिलफर्ज अगर यहां पे नेगेटिव आ जाता तो आप इस तरह कर देते कि आप पहले इसकी पावर -2 अप्लाई कर दो बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंगल, उसके बाद आपने क्या करना है, क्यूब रूट मालूम करना है। कोई भी आपके पास आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जेड के ऊपर पावर आ गई 5/4, जेड की पावर 5 होल पावर 1/4, मतलब आप पहले z की पावर 5 निकालो बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, उसके बाद आप फोर्थ रूट निकाल लो, 4 आपके पास आ जाएंगे। और इसको दूसरी तरह भी आप कर सकते हो कि पहले आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 रूट निकाल लो और फिर उनको बारी बारी उनकी पावर 5 कर देना, इस तरह भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कोई भी फ्रैक्शन आ जाए तो फिर डील करने का तरीका अलग होगा, लेकिन डील हम यूजिंग बाय डी मॉर्गन थ्योरम ही करेंगे, मतलब काम डी मॉर्गन थ्योरम ही आएगा, लेकिन बस आपको पावर्स को ब्रेक करना पड़ेगा और आपको एक तरीका सीखना पड़ेगा कि आपने रूट किस तरीके से मालूम करने होते हैं। जैसे देखो आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 8 का आपने क्यूब रूट निकालना है, तो 8 का क्यूब रूट सिर्फ 2 नहीं होता, क्योंकि अब हम रियल नंबर से निकल गए, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ गए। अब अगर आपको बोला जाएगा 8 का क्यूब रूट निकालो फॉर एग्जाम्पल, तो अब 8 का क्यूब रूट सिर्फ 2 नहीं है, इसके और भी आएंगे 2। भाई जो क्यूब रूट निकाल रहे हो तो 3 आएंगे, फोर्थ रूट निकालोगे तो 4 आएंगे, फिफ्थ रूट निकालोगे तो 5 आएंगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आएंगे, ठीक है। अब बिलफर्ज आपको दिखने में अगर 1 लग रहा है, इसका मतलब बाकी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, ये तो प्योर रियल नंबर वाला आ गया ना, लेकिन बाकी 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स के होंगे, उनको कैसे मालूम करोगे। इसी तरीके से आप फॉर एग्जाम्पल किसी -16 लिखा हुआ और आपने इसका फोर्थ रूट निकालना है, ठीक है, कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर से निकाल सकते हो। कहने का मतलब आपके पास कोई भी रूट निकालने को बोला जाए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से निकालना है। अब किस तरीके से निकालना है आप जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप क्या करो, मतलब डी मॉर्गन थ्योरम को थोड़ा मॉडिफाई करो, वो ये है कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की पावर 1/n निकालनी है, वेयर एन क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल एन 2 है तो मतलब 1/2 आपने निकालना है, एन 3 है तो 1/3, एन 4 है तो 1/4। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/n कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तकरीबन तो वही है, आर की पावर 1/n, उसके बाद क्या होगा, कॉस थीटा प्लस 2k पाई या 2π k लिख दो, जो भी है गैर की बात है, डिवाइडेड बाय एन प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2π k लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, ये पूरा फॉर्मूला है जिसके जरिए से आप क्यूब रूट, फोर्थ रूट, जो भी रूट निकालना है आसानी से आप निकाल सकते हो। सवाल ये कि इसके अंदर के क्या है, तो बच्चों के देख लो, के स्टार्ट होगा 0 से 1 और करते करते कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। बिलफर्ज एन अगर यहां पे 5 है तो 5-1 क्या होता है, 4। सबसे पहले आप के की जगह 0 पुट करोगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो 5 आपके पास आ जाएंगे। बिलफर्ज अगर एन जो है वो 10 है तो 10-1 मतलब आपने 9 तक जाना है, 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक, तो 10 आपके पास 10th रूट आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है कहां से आया, अगेन डेरिवेशन से आपको आसानी से मिल जाएंगी। इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से कोई भी अगर आपको रूट निकालना है निकाल सकते हो। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बहुत ही मशहूर जो मैंने बार बार आप लोगों को एग्जाम्पल दिए है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, कंसिडर कर लो आपने इसका फोर्थ रूट निकालना है, 4 निकाल लेते हैं हम, या चलो 5 निकाल लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, या 3 निकालते हैं। आपको जो मैं चीज बताना चाह रहा हूं ना वो भी आपको समझ आ जाएगी, 3 निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी हो जाएगी, मेथड सारा सेम ही है, मेथड में कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी, कैसे निकलेंगे भाई, सबसे पहले अगेन वही बात, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पोलर फॉर्म में होगा तभी आप ये सब काम कर सकते हो। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यह है 2 मल्टीप्लाई
कॉस, ये इसका आर्गुमेंट 60 डिग्री था ना, तो पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 होल पावर अपॉन 3। अच्छा डिग्री के अंदर भी कर सकते हो, डिग्री के अंदर नोटेशन हो जाएगी 360 डिग्री के, मतलब 2 पाई रेडियन के अंदर, डिग्री के अंदर करना चाह रहे हो अगर आप थीटा डिग्री के अंदर ले रहे हो तो 360 मल्टीप्लाई के इस तरह लिख देना, मसला नहीं है। लेकिन रेडियन के अंदर थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि मेजोरिटी कैलकुलस में रेडियन है, डिग्री आप यूज नहीं करते। अच्छा जी, अब आपने इस पर डिमार्गो थ्योरम अप्लाई करना। डिमार्गो थ्योरम क्या कहता है कि भाई ये जो आर है इसके ऊपर आ जाएगी पावर 2, मतलब ये 2 के ऊपर पावर आ गई 1/3, और इसके ऊपर आपने डिमार्गो थ्योरम अप्लाई करना है। तो जरा अप्लाई करो, क्या लिखोगे आप, कॉस पाई बाय 3 प्लस 2 पाई के डिवाइडेड बाय एन, एन यहां पे क्या था, एन यहां पे 3 था, तो डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 प्लस 2 पाई के डिवाइडेड बाय अगेन एन, मतलब 3, ये आ जाएगा। तो आपने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना एग्जैक्ट, वो आपने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, के की वैल्यूज पुट करनी है। अब यहां पे एन क्या है, 3, तो कहां तक जाना है, 3 - 1 2, मतलब 2 तक आपने जाना है। तो पहले 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, फिर आप 2 पुट करोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला आपके पास क्यूब रूट क्या आएगा, 2 की पावर 1/3, इसमें के की जगह आप 0 पुट करोगे। जब के की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, वो भी टर्म खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब पाई बाय 9 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 9। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या देख लेते हैं कुछ हल निकालते हैं इसका, क्योंकि इसकी वैल्यूज जो है वो इतनी मजे की आ नहीं रही। तो पहले देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि जो एक और चीज बतानी है ना उसके लिए वैल्यूज थोड़ी अच्छी हो तब समझ आएगी। बहरहाल अब दूसरा आप निकालो, दूसरे में क्या पुट करोगे, के की जगह 1 पुट करोगे, तो दूसरा क्यूब रूट क्या आएगा, यहां पे 1 पुट करो के की जगह, ये 2 पाई हो जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करो 2 पाई से 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, 7 पाई अपॉन 9 हो जाएगा। तो कॉस 7 पाई अपॉन 9 प्लस आयोटा साइन 7 पाई अपॉन 9, ये दूसरा आ गया। तीसरा कैसे आएगा, 2 की पावर 1/3, अब k की जगह पुट कर दो 2, ये हो जाएगा 4 पाई 12 पाई 13 पाई अपॉन 9, तो ये हो जाएगा cos 13 पाई अपॉन 9। अच्छा अब आप लोगों का सवाल ही हो सकता है कि सर अगर हम k को यहां रोक क्यों दिया, हम आगे भी तो जा सकते हैं, अगर आप आगे जाओगे ना तो आपको सेम बार बार वही वैल्यूज मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो सर मैं k 3 पुट करना चाह रहा हूं, कर लो शौक पूरा अपना। फॉर एग्जाम्पल आप k यहां पे 3 पुट करोगे तो यह हो जाएगा 19 पाई बाय 9, ये जो वैल्यू है ना सेम आपको मिल रही है, मतलब ये है पाई बाय 9 और ये है 19 पाई बाय 9। आप यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल के देख लो, आपको सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा होगा। तो कैलकुलेटर पे जाते हैं, कैलकुलेटर में पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रेडियन में पुट करना चाह रहे हो। तो हम पुट करते हैं कॉस पाई बाय 9, तो आंसर मिल रहा है 0.9396, ठीक है। आप यहां पे पुट करो 19 पाई बाय 9, अभी भी आंसर 0.93 मिल रहा है आपको, सेम आप यहां पे पुट कर लो। कहने का मतलब ये है कि k की 0 1 2 इन पे आपको 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं। अब पावर अगर आप बढ़ाते जा, मतलब k की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो आपको वही चीज मिलती जाएगी, वही चीज बार बार रिपीट हो रही होगी, कोई नई चीज आप निकाल नहीं रहे होंगे। तो इसका मतलब वो फालतू में रिपीटेशन आप कर रहे हो, कोई नया आपको मिल नहीं रहा। अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो आपको 3 ही क्यूब रूट मिलेंगे, और आप इसको सेटिस्फाई भी करवा सकते हो जो आपका आंसर आया ना, मतलब ये जो सवाल था ना आपके पास, आप इसको इस तरह भी देख सकते थे ना कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट कंसिडर कर लो पूरी चीज जेड के बराबर है, ठीक है। तो आप क्यूबिंग करो मिल जाएगा, मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझ सकते हो कि जो आपके पास क्यूब रूट आए हैं जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास ये चीज आनी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप 8 निकालते हो, 8 का क्यूब रूट निकालते हो, 8 का क्यूब रूट आपके पास फॉर एग्जांपल 2 आता है, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं 2 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास 8 आएगा। तो वही बात है, जो आपने 3 क्यूब रूट निकाले हैं इसका मतलब है कि जब आप इनका क्यूब करोगे तो आपके पास 1+√3 आना चाहिए। आप करके देख लेना, इन सब पे क्यूब करना, सिंपल वही अप्लाई करना डिमार्गो थ्योरम। जब आप क्यूब करोगे आपको खुद ही बात समझ आ जाएगी, हाँ यार डिमार्गो थ्योरम जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो शायद इस पे तो इतना, लेकिन चलो देख लेते हैं हम, वो ये कि जब आप इन जो रूट्स है ना, चाहे आपने क्यूब रूट निकाले 3, 4th रूट निकाले 4, या 5th रूट निकाले 5, जो भी है,
जब आप इनको ड्रॉ करते हो ना कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, तो ये एक ही सर्कल के ऊपर आ रहे होते हैं सारे पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो सबका मॉडुलस सेम ही है ना, 2 की पावर 1/3, तो सेम ही डिस्टेंस के ऊपर है ओरिजिन से। तो डेफिनेशन होती है ना सर्किल की, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो तो ये सर्किल के ऊपर लाए कर रहे होते हैं, और जिसका रेडियस क्या होगा 2 की पावर 1/3। तो सबको जब आप ड्रॉ करोगे तो पहली बात तो एक ही सर्किल की बाउंड्री के ऊपर होंगे, एक बात तो आप देखोगे, उनके दरमियान जो एंगल्स है ना सेम होंगे, मतलब सेम सेम डिस्टेंस पे होंगे। आप इस तरह समझ लो कि फॉर एग्जांपल एक रफ हम डायग्राम बनाते हैं, एक्चुअल डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है। 180/9 क्या होता है 20 होता है ना, हाँ, तो यह है cos 20° प्लस आयोटा साइन 20° और मॉडुलस है इसका 2 की पावर 1/3। कंसिडर कर लो 2 की पावर 1/3 के यहां पे आ रहा है और 20° हम थोड़ा अंदाजा से बनाते हैं, कंसिडर कर लो ये 20° है। फिर आप दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करो, ये है 7π/9। 7π/9 को जरा हम सॉल्व करते हैं, मतलब 140 आना चाहिए ना, हाँ 140 होगा सही है। तो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस इसका एंगल क्या है 140° है। तो 140° तकरीबन आपका ये 90 हो गया, तकरीबन यहां पे आ रहा होगा 140। तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह बना दो, सेम मॉडुलस होगा 2 की पावर 1/3 होगा इसका, सेम होगा ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको ड्रॉ करो तो ये है 260° होगा ना, तो 260° कहां पे आएगा, कंसीडर कर लो ये है पूरा 180, ये है 270 से पहले यहां पे हुआ ठीक है। ये आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ड्रॉ किए। अगर आप पहली बात आप ऑब्जर्व करो ये एक ही सर्किल के ऊपर लाए कर रहे होंगे इस तरीके से, पहली बात। दूसरी बात ऑब्जर्व करो इनके दरमियान डिफरेंस सेम नजर आएगा आपको, सेम सेम जगहों पे हैं, जैसे इसमें और इसमें फर्क कितना है भाई, ये देखो 20 है और ये 140 है, ये 140° थे ना, तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, इनके दरमियान डिफरेंस है 120° का। इसी तरह इनके दरमियान डिफरेंस कितना होगा भाई, ये है 140 था, ये है 260, तो सब्ट्रैक्ट करो ये पूरा 120° है। इसी तरह ये था 260° और इसको आप कह लो कि ये 380° है, मतलब डिफरेंस की हम बात करें ना, तो 260 380, अगेन आप ऑब्जर्व करो 120 का डिफरेंस है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पे, अगर आप क्यूब रूट को ड्रॉ कर रहे हो ना, तो तीन जो आप आएंगे, पहली बार सर्किल पे आप एक ही पे होंगे, प्लस उनके दरमियान सेम कितने डिग्री से 120° के फासले पे, ये सिमेट्री आपको नजर आती है जब आप क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट कोई भी आप ड्रॉ करते हो, ये सिमेट्री आपको नजर आ रही होती है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। तो इस बात को भी जरा आप लोग नोट कर लेना, बाकी इसकी एग्जाम्पल कंप्लीट होगी, और कोई मेरे पास पॉइंट है तो नहीं, ये तो खत्म हो गए। तो ये आप लोग बाकी देख लेना यार, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर पावर 1/5 आ रही है तो सेम ही आपने मेथड लगा के करना है बस, अब k की जगह 0, 1, 2, 3, 4 5 पुट करोगे k की वैल्यूज और आपके पास वो आ जाएंगे। तो ज्यादा इसमें टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक मैं बताने लगा ना वो ये है कि जो एक और एप्लीकेशन थी ना वो थी कि अगर आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो कितनी पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम। बार बार मेरे मुंह से कॉम्प्लेक्स नंबर निकल आता है। तो आप जरा कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स है बाकी। आपके पास एक इक्वेशन है जो आप लोग इक्वेशन जब आपने अलजेब्रा पढ़ी थी तभी सीखा था, x³ - 1 = 0। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सिचुएशन बनेगी और ये होगा 1 to the power 1/3। मतलब ये टॉपिक होता था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। वहां पे आप क्या करते थे, वहां पे टेक्निक ये होती थी कि इस पे a³ - b³ का फॉर्मूला निकालते, a³√1 तो आ जाता, बाकी किस तरह आता वो एक क्वाड्रेटिक आपके पास आती है उसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, एंड पे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आते थे एज ए रूट्स। तो वो वाला टेक्निक भी आप लगा सकते हो या डायरेक्ट आप इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर डी मॉर्गन थ्योरम वाले लगा सकते हो और तीनों क्यूब रूट आपके साथ आपके पास एक साथ आ जाएंगे। वैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर थे ना, सेम आपको वो नजर आते हुए आएंगे ठीक है। तो आप कंसिडर कर लो, अब हम जरा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन के अंदर एक्स इतना मजे का नहीं लगता, तो हम नॉर्मली जेड लिख रहे होते हैं इक्वेशन में। तो अब जितनी इक्वेशन आएंगे मैं नॉर्मली जेड लिख रहा हूं उसके अंदर ठीक है। तो कंसीडर कर लो आपका जो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे हम नोटेशन यूज कर रहे होते हैं जेड, और करना क्या आपने जेड बराबर है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 क्यूब रूट ऑफ 1। आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 1 + 0 iota to the whole power 1/3। मजीद अगर आप इसको पोलर फॉर्म में लिखोगे तो भाई मॉडुलस पे इसका 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब इसका आर्गुमेंट क्या होगा 0° होगा। तो जब कन्वर्ट करोगे हो जाएगा cos 0
प्लस आयोटा साइन जीरो टू द होल पावर वन अपॉन थ्री। डिग्री का सिंबल नहीं डाला क्योंकि मैं रेडियन के अंदर कंसीडर कर रहा हूं। अब आप इस पे अप्लाई करो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, आपने इसकी पावर वन अपॉन थ्री निकालनी है ना, तो इसको मैं जेड वन कह देता हूं। जेड वन का मतलब जो पहला क्यूब रूट आपके पास आ रहा होगा। पहले चलो हम जनरलाइज फॉर्मूला लिख देते हैं। जनरलाइज फॉर्मूला क्या था, कॉस मतलब एंगल के अंदर आप एड कर देते टू पाई के और डिवाइड कर देते एन से, प्लस आयोटा साइन जीरो प्लस टू पाई के डिवाइडेड बाय थ्री। ये फॉर्मूला था जिस फॉर्मूला के तहत आप क्यूब रूट निकाला करते थे। अब आप इसमें क्या करो, के डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, आपके पास आंसर आते जाएंगे। तो जेड वन का मतलब पहला क्यूब रूट, आप यहां पे के की जगह जीरो पुट करो। आपने के की के तीन वैल्यूज पुट करनी है। जब के की जगह जीरो पुट करोगे सिंपल जीरो पॉइंट थ्री, ये हो जाएगा कॉस जीरो और ये हो जाएगा साइन जीरो। तो सिंपल लैंग्वेज में आपके पास आंसर वन आ जाएगा। याद रखो जो के की वैल्यू जीरो पुट करके आता है ना, उसको हम नॉर्मली कहते हैं प्रिंसिपल रूट, ये वर्ड भी बोला जाता है। तो ये प्रिंसिपल रूट कह लो इसको। दूसरा क्यूब रूट कैसे आएगा, आप के की जगह वन पुट करो तो ये हो जाएगा कॉस टू पाई अपॉन थ्री प्लस आयोटा साइन टू पाई अपॉन थ्री। कॉस 120 डिग्री जो है ये होता है माइनस वन अपॉन टू, प्लस साइन ये होता है रूट थ्री अपॉन टू। अगर आप ऑब्जर्व करो इसी को आप लेट कर देते कि ओमेगा के बराबर है। इसी तरह जेड थ्री पे आ जाते हैं। जेड थ्री में क्या होगा, के की जगह टू पुट करो आप यहां पे फोर पाई हो जाएगा, तो फोर पाई अपॉन थ्री प्लस आयोटा साइन फोर पाई अपॉन थ्री। फोर पाई अपॉन थ्री का मतलब 240 डिग्री है। 240 डिग्री का मतलब के जो कॉस है उसकी वैल्यू होगी माइनस वन अपॉन टू प्लस ये भी नेगेटिव होगा माइनस रूट थ्री अपॉन टू आयोटा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये भी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती थी। तो वो जो आपने टेक्निक लगाते थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, आप आसानी से कर सकते हो। तो कहने का मतलब आपका जो डिमोगल थ्योरम है वो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर रहा है। अगर आप देखो आपको वैल्यूज निकाल के दे रहा है यहां पे। अच्छा जी, मजीद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हर इक्वेशन को नहीं करेगा ऑब्वियसली, लेकिन मेजोरिटी इक्वेशन को कर लेगा जो इस टाइप की आपको नजर आएंगे, जो फैक्टराइज हो रही है आसानी से आप कर रहे हैं उनको। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स टू द पावर 12 माइनस 1। अच्छा ये कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, एक ही बात है, मैं बस हल्का सा काम कर लेता हूँ। एक्स की जगह हम जेड कर लेते हैं। चलो इसमें क्या करोगे, जेड की पावर 12 इक्वल टू 1, जेड बराबर हो जाएगा 1 की पावर 12 मतलब 1 अपॉन 12। अब आपको यूनिटी का 12th रूट निकालना है, 12th रूट ऑफ यूनिटी। सेम वही चीज है, फॉर्मूला क्या बनेगा, बस असल बात फॉर्मूला है। जब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखोगे ना, 1 प्लस 0 आयोटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, जो भी फॉर्मूला जो है वो बनेगा कॉस 0 प्लस 2 पाई के डिवाइडेड बाय 12 प्लस आयोटा साइन 0 प्लस 2 पाई के डिवाइडेड बाय 12, दैट्स इट। अब आपने यहां पे क्या करना है, आपने वैल्यूज पुट करनी है। क्या पुट करोगे, के की वैल्यू 0 से लेके अप टू 11 तक आप पुट करोगे यहां पे। तो आप 0 से लेके बार बार पुट करते जाओगे 11 तक, आपके पास 12 12th रूट आ जाएंगे। अगेन वही बात, जब यूनिट सर्किल, जब आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ड्रॉ करोगे तो आपको यहां पे यूनिट सर्किल मिलेगा, क्योंकि यहां पे मॉडुलस 1 होगा सबका। तो अब सब जितने भी हैं वो सर्किल की बाउंड्री के ऊपर होंगे, सेम वही इनके दरमियान एंगल होगा, सिमेट्री आपको बिल्कुल नजर आ रही होगी। तो अगेन इसकी थोड़ी इस वाली एग्जाम्पल की एडवांस वर्जन हमने देख लिया नीचे वाली एग्जाम्पल में। अच्छा जी, अब आपके पास थोड़ा अलग करते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू रूट थ्री आयोटा, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, ये क्या हो जाएगा एक्स सिक्स इंटू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको आप कन्वर्ट कर लेना पोलर फॉर्म में, इसका मॉडुलस जो है वो 2 है। अच्छा जी, ये हो जाएगा कॉस, जब एंगल निकालोगे अभी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा 120 डिग्री एंगल होगा। तो 120 को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन 6। तो आप इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको 6th रूट निकालने हैं, जो 6 आएंगे आपके पास। कैसे निकालोगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, बाकी तो आप पुट करना है, सॉल्व कर सकते हो। यहां पे 2 भी मौजूद है, ये होगा 2 की पावर 1 अपॉन 6 कॉस 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2 पाई के डिवाइडेड बाय 6 प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2 पाई के डिवाइडेड बाय 6।
अब आपने क्या करना है, यहां पे k की वैल्यूज पुट करते जाना है। k की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करोगे, 4, 5, 6 k की वैल्यूज आपने पुट करनी है, आपके पास 6 आंसर आ जाएंगे। अगेन ड्रॉ करोगे सेम ही सर्किल जिसका रेडियस 2 की पावर 1/6 होगा, सिमेट्री आपको नजर आ रही होगी, आप सॉल्व कर सकते हो इसमें। अच्छा जी, अच्छा मेरे पास एक और सवाल है, इसमें लिखा हुआ है x7 प्लस x4 प्लस x3 प्लस 1। अब देखो कुछ स्पेसिफिक किस्म की एग्जांपल है जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये आसानी से फैक्टराइज फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, रूट निकालने का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब हर इक्वेशन को आप ये जो रूट की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, इस तरह जैसे मैं इसकी बताता हूं आपको, क्या आप इसमें एक्स क्यूब कॉमन लो, ये हो जाएगा x4, या x4 ही कॉमन ले लेते हैं ना, हाँ x4 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा x3 + 1, यहां से 1 कॉमन लो x3 + 1, फैक्टर बनाओ, एक फैक्टर बनेगा x3 + 1, एक है x4 + 1। आज जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है, इसका मतलब ये है कि आपको क्यूब रूट निकालना है -1 का। अब अगेन -1 का क्यूब रूट निकालना मुश्किल नहीं है, सेम यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, इसको आप किस तरह कन्वर्ट करोगे, इसको आप लिखोगे 1 - 1 + 0 है बेटा। पोलर फॉर्म में क्या होगा, मॉडुलस तो इसका 1 ही है, लेकिन अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 180 डिग्री आप यहां पे ले रहे होगे, कॉस 180 डिग्री प्लस आयोटा साइन 180 डिग्री, इस तरह करके कॉन्सेप्ट लगा लेना। और इसमें क्या होगा, x4 बराबर है -1 के, मतलब x होगा -1 to the power 1/4। तो यहां पे आपको चारों नजर आ रहे होंगे, वो सबके सब कॉम्प्लेक्स ही होंगे, प्योर रियल कोई आ नहीं रहा होगा, 4 आएंगे यहां पे, 3 आएंगे, तो इसका मतलब 7 आंसर आपको इसके मिल जाएंगे, 7 के साथ ही आपके पास नहीं एक रियल होगा, इसका आंसर तो आई गेस -1 आ रहा है ना, बाकी जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स ही मिल रहे होंगे। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में भी आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, मैं जब भी आपकी पॉलीनोमियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट रियल ही है ना, तो जो आपके पास जब भी कॉम्प्लेक्स आंसर आएंगे वो पेयर के फॉर्म में ही आ रहे होते हैं, अनलेस अगर आपकी इक्वेशन में ही कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो अलग सिचुएशन बन सकती है इसके अंदर। अभी देखो इजी इक्वेशन थी, आप रूट करके इसको सॉल्व कर सकते थे, अब हालांकि ये 7th डिग्री की इक्वेशन है लेकिन थोड़ी इजी है। अब आप इसके अंदर थोड़ी मुश्किलात कर दो, इसको x5 कर दो, आप आई गेस आपके लिए फैक्टराइज करना इतना इजी नहीं होगा, आप यहाँ x5 कॉमन लोगे, x2 + 1 यहां पे फंस जाओगे, ठीक है, तो फिर ये वाली टेक्निक आपकी नहीं लगेगी। तो तभी मैंने कहा था कि हर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मेजोरिटी इक्वेशन या आप ही कह सकते हो ऐसी इक्वेशन है कुछ जिनको आसानी से डिमोवर थ्योरम के जरिए से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है कि फाइंड स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ आयोटा, कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आयोटा का क्यूब रूट निकालना है। अच्छा, आयोटा का एक और कॉन्सेप्ट होता है आयोटा का स्क्वायर रूट, आयोटा का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये भी काफी मशहूर सवाल है जो आप लोगों को इंटरनेट पे मिलेगा। ये सिंपल ये सवाल लिखा होता है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, कोई मसला ही नहीं है भाई, आपने जब डिनोमिनेटर थ्योरम पढ़ लिया, अभी क्या मसले हैं आपके लिए, आप इसको सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, 0 + iota to the whole power 1/2, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, मॉडुलस तो 1 ही होगा लेकिन ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, तो कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 और होल पावर है 1/2। स्क्वायर रूट की बात की जा रही थी, 2 यहां पर आएंगे, कहना ना आपने भाई थ्योरम अप्लाई करना है, थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है भाई कॉस π/2 प्लस 2πk/2 प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2πk/2, ये कॉन्सेप्ट है भाई। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले k की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये हो जाएगा π/4, cos π/4 क्या होता है, मतलब एक जो इसका आएगा cos π/4 होता है 1/√2, और इधर भी ये होगा प्लस आयोटा 1/√2, एक ये इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, और दूसरा क्या होगा जब आप k की जगह 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा π/2 में जब आप 2π ऐड करोगे 5π/2 हो जाएगा, मतलब 5π/4, ये होता है 225 डिग्री, और 225 डिग्री जो है वो नेगेटिव ही आंसर आएगा, -1/√2 और -iota 1/√2, तो ये आपको 2 क्यूब रूट मिल जाएंगे, सॉरी 2 स्क्वायर रूट मिल जाएंगे आयोटा के, इस तरह भी आप कर सकते हो। बल मेरे पास जो सवाल था ना वो था कि फाइंड स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ आयोटा, सिंपल लैंग्वेज में इस तरह बोल रहे हैं फाइंड स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ आयोटा, आयोटा के क्यूब रूट का स्क्वायर, सिंपल लैंग्वेज में ये आपके पास लिखा हुआ था, तो आप उसको ब्रेक करो इस तरह, और इसको इस तरह भी कर सकते हो अपनी आसानी के लिए, आयोटा स्क्वायर टू द पावर 1/3। अगर सवाल में आपको बोला हुआ तो फिर आप इसी तरह फॉलो करो,
कि सबसे पहले आप आयोटा के क्यूब रूट मालूम करो, अगेन आयोटा को इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, पावर 1/3 है, तीन आपके पास आंसर आएंगे। वो जो तीनों आंसर आएंगे उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, बारी बारी आप डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करना, उनका स्क्वायर कर लेना, तो आपके पास तीन फाइनल आंसर आ जाएंगे। वो आंसर क्या होंगे कि आयोटा का आपने क्यूब रूट मालूम किया तो वो सब आयोटा के क्यूब रूट होंगे, और उनमें एक्स्ट्रा काम आपने किया उन सबका स्क्वायर भी किया है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो काफी एग्जाम्पल बच्चों मैंने आप लोगों को करवा दिए। अच्छा जी, एक और एग्जाम मेरे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x4 = 16, ये हो जाएगा x = 16 to the power 1/4। अब अगर आप रियल की बात करो तो रियल तो इसके दो आ रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब इस इक्वेशन में आप 2 पुट कर दो या -2 पुट कर दो, आंसर ही आ रहा है। लेकिन आंसर तो 4 आने चाहिए क्योंकि इक्वेशन की डिग्री 4 है, तो बाकी दो जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स आ रहे होंगे। इसको कन्वर्ट करोगे इसी तरह 16 + 0 आयोटा, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉडुलस ऑर्गुमेंट जो है वो तो 0 ही होगा इसका, बाकी मॉडुलस जो है वो आपको 16 ही मिलेगा, इसको देख लेना। अच्छा, कुछ इक्वेशंस आपकी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके सारे आंसर ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे ये इक्वेशन है z6 + z³ + 1, इसके सारे आंसर ही आपके कॉम्प्लेक्स हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप कॉमन नॉर्मल तो ले नहीं सकते इसके अंदर से, वो फैक्टराइज तो आसानी से हो नहीं सकता, आपको कोई अलग चीज का सहारा लेना पड़ेगा, डायरेक्ट आप डिमॉर्गन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो कंसिडर कर लो लेट x = z³, तो x² जो है वो z^6 हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² + x + 1। अब इस इक्वेशन को जब आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करोगे इस वाली इक्वेशन को, तो एंड पे आंसर ये वही है ना जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप जब सॉल्व किया करते थे, ये पॉलीनोमियल आता था, तो इसके एंड पे दो आंसर आते थे -1 + -√3 आयोटा / 2, याद रखना। तो ये दो आंसर आपको मिल जाएंगे, तो ये आपको x के दो आंसर मिले, मतलब एक x का आंसर ये रख लेते हैं और एक x का आंसर होगा -1 - √3 आयोटा / 2, लेकिन आपको चाहिए थे जेड के आंसर, तो आप एक्स आपने किसके बराबर लेट किया था, z³ के बराबर लेट किया था, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी z³ - 1 - √3 आयोटा / 2। अब ये करने के बाद आपकी लाइफ इजी है, आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, z की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्यूब रूट ले लो, यहां पे 1/3 आ जाएगा, इस तरह यहां पे 1/3 आ जाएगा। आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्यूब रूट मालूम करो, 3 यहां से आ जाएंगे, इस तरह इसको कन्वर्ट करो, 3 मालूम करो, 3 यहां से आ जाएंगे। इनको आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब प्लस माइनस करके एक साथ ही क्यूब रूट अप्लाई कर दो, उस तरह भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो बेहतर है कि अलग अलग कर लो स्टेप, अगर ज्यादा लग जाए कुछ सवालों में चीज ठीक लगेगी, कुछ सवालों में शायद कोई मसला हो सकता है, तो बेहतर अलग अलग करके 3 यहां से आंसर निकालो, 3 यहां से निकालो, 6 आंसर आ जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो 6 के 6 आंसर आपके सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन कौन कौन सी देखी है, एक तो हमने देख लिया था कि रूट कैसे मालूम करना होता है, दूसरी हमने देखा था कि अगर आपके पास पॉलीनोमियल इक्वेशन है उनको आपने किस तरह सॉल्व करना है, तो कुछ स्पेसिफिक किस्म की ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग डिमॉर्गन थ्योरम, वो अप्लाई करना सीख लिया था। इन चार नेक्स्ट लेक्चर में हमने अब जो एक और दो एप्लीकेशन है, एक तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम देखेंगे कि कैसे प्रूव करना है, और दूसरा मेनली क्या है कि आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप मल्टीपल ऑफ एंगल में कन्वर्ट करते हो, ये हम देख लेंगे आखिरी एप्लीकेशन। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आखिरी टॉपिक होगा वो कर्व्स से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।